Hello guys, welcome to my YouTube channel Sailor Sayyad. In today's video, I'm going to tell you about immersion suit on board ships. Titanic movie देखी थी? सबने देखी होगी. End में Jack था ना, Jack hero, वो मर गया था. कांप रहा था, shiver कर रहा था, मर गया था. किस लिए मरा था? क्योंकि उसको ठंड लगी थी. ठंड से उसको hypothermia हुआ और उसकी वजह से वो मर गया. अगर Jack ने ये इक्विपमेंट पहना होता ना तो वो मरता नहीं. इमर्जन सूट क्या करता है? इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट बाय वेयरिंग इट इन कोल्ड वाटर. इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ. मेनली इसका यूज़ होता है अगर हम शिप ऊपर वाला पहली बात किसी के साथ ऐसा ना करे कि उसको शिप अबैंडन करना पड़े या छोड़ना पड़े, पानी में कूदना पड़े और अपने जहाज़ को छोड़ना पड़े. ऊपर वाला हम सब जहाजियों को, जितने भी मेरे भाई सेलर्स हैं, सेल कर रहे हैं, सबको सेफ रखे. तो ये क्या होता है? ये इमर्जन सूट होता है, हर जहाज पे होता है, हर कैबिन में होता है, हर एक बंदे के लिए होता है. टू टाइप के इमर्जन सूट होते हैं. यू कैन वेयर इट विद लाइफ जैकेट और यू कैन वेयर इट विदाउट लाइफ जैकेट. हर किसी के कैबिन में एक इमर्जन सूट पर्सनल बंदे का दिया होता है. इमर्जन सूट की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं. इट शुड बी डॉन्ड अनपैक्ड विद इन 2 मिनट्स. इसको इस बैग में से निकालना, पहनना 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. इसको पहन के आप थोड़ा सा सर्टेन लेवल तक स्विम भी कर सकते हो ताकि आपको लाइफ राफ्ट में बोर्ड करना पड़े. तीसरा, एक सर्टेन हाइट अराउंड जो सोलास बोलता है 4.5 मीटर से जब आप जंप करो ये सूट डैमेज नहीं होना चाहिए. ये इसकी सर्टेन सोलास रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली आपको इतना जानना चाहिए, इसे पहनने के बाद ठंड नहीं लगती. बस इसको पहन के आप कोल्ड वाटर में कूदोगे, आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, आपकी बॉडी हीट लॉस नहीं होगी. इसीलिए हम इसकी जहाज पे ड्रिल्स करते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ. जो हमारा कंपनी शेड्यूल होता है उस हिसाब से हम इसे पब्लिक को पहनाते हैं. मेन चीज़ जब हम जहाज पे जाते हैं, अब सपोज़ मेरी हाइट, विड्थ, चेस्ट के हिसाब से इसका साइज़ है या नहीं है, तो हमें ये मेनली देख लेना है जब हम अपने जहाज़ पे जाएंगे अपने इमर्जन सूट को एक बार पहन के कि भाई मेरा इमर्जन सूट मुझे ईजिली फिट हो रहा है. क्योंकि खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, कभी आपको पहनना पड़ गया और आपका इमर्जन सूट छोटा या बड़ा रहा तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी. इसलिए आप देख सकते हैं इस इमर्जन सूट के पीछे यहाँ पर साइज़ दिए होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं किस टाइप का क्लॉथ है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, चेस्ट, स्टर्न, ऑप्शन, पार्ट्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पे दिया होता है ताकि आप इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सको कि आपके साइज़ के हिसाब से ये आपके लिए फिटेड है. दूसरा, आपका इमर्जन सूट लाइफ जैकेट के साथ पहनने वाला है या विदाउट लाइफ जैकेट पहनने वाला है. अब जैसे मेरा जो ये इमर्जन सूट है इस पर लाइफ जैकेट पहनने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें लाइफ जैकेट ऑलरेडी अटैच्ड है. कि मतलब अगर हम इसे पानी में पहन के कूदेंगे तो हम डूबेंगे नहीं, हम फ्लोट करते रहेंगे. चलिए मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ हाउ टू वेयर इमर्जन सूट. मैं यहाँ पे एक वॉच में टाइमर सेट करूँगा और मैं अपने एक साथी को बोलूँगा इसे पहन के दिखाए और उसको ये इमर्जन सूट 2 मिनट में पहनना है. इस कंडीशन से, ये जिस कंडीशन में अभी है उसको 2 मिनट में पहनना है. सो लेट्स पुट माई वॉच ऑन टाइमर एंड देन आई कॉल वन ऑफ माई कलीग हु विल वेयर इट फॉर यू एंड हु विल डिमॉन्स्ट्रेट इट हाउ टू वेयर इट. सबका अपना तरीका होता है पहनने का. कोई इसको ले करके इसके अंदर जाके पहनता है, कोई इसे नॉर्मल टी शर्ट की तरह पहनता है. आप कैसे भी पहनिए, आपको 2 मिनट में पहनना है. सो लेट्स स्टार्ट. आई पुट अ टाइमर एंड देन आई शो यू के इसका डॉनिंग प्रोसीजर क्या है. सो नाउ वन ऑफ माई डेक हैंड हु इज़ हेयर विद मी ही विल वेयर इट फॉर यू. और आप जैसा देख सकते हैं ये मैंने टाइमर मेरे साथ है और मैं इसको रेडी बोलूँगा और ये टाइमर ऑन कर दूँगा और फिर मैं देखूँगा कि ये इसको 2 मिनट में पहन पाता है या नहीं. ओके, सो आई एम हैंडिंग ओवर दिस इमर्जन सूट टू हिम. नाउ लेट्स सी इफ ही कैन वेयर इट इन 2 मिनट्स और नो. सो अभी मैंने इनको इमर्जन सूट इस कंडीशन में दिया है कि नॉर्मली वो इस कंडीशन में है. नाउ आई एम पुटिंग ऑन टाइमर, यू हैव 2 मिनट्स
टू वेयर इट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो चुका है और ये अभी टेक हैंड आपको पहन के दिखाएंगे। आपको इसे विदाउट असिस्टेंस पहनना है और एक चीज और, इट शुड कवर योर होल बॉडी एक्सेप्ट योर फेस। पूरा दिखाऊंगा अभी जैसे ये अभी पहन रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एंड डन। ही टुक ऑलमोस्ट 54 सेकेंड्स टू वेयर इट। रिक्वायरमेंट क्या था, 2 मिनट में पहनना है। सो इन्होंने इसे पहन के आपको दिखा दिया कि इट शुड बी अनपैक्ड एंड डॉन विद इन 2 मिनट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इट शुड कवर योर होल बॉडी एक्सेप्ट योर फेस। रिमूव योर शूज बिफोर वेयरिंग इट। और अभी आप जैसा आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ भी है डॉनिंग इंस्ट्रक्शंस, रिमूव फुटवेयर इफ पॉसिबल, डॉन लाइक अ पेयर ऑफ कवर ऑल, इंसर्ट आर्म्स, और यहाँ इसका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है ऊपर हाउ टू वेयर इट। बट आपको इसको जिस भी तरीके से पहनना है आप पहनिए, यू शुड बी एबल टू डॉन इट विद इन 2 मिनट्स। अब हर शिप पे जरूरी नहीं है आपको इमर्जन सूट मिले। सर्टेन शिप्स विच आर ट्रेडिंग इन हॉट क्लाइमेट, स्पेशली गल्फ एरियाज जहाँ पे आपका सी वाटर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे आप इसके एक्सेप्शन ले सकते हैं फ्लैग स्टेट से कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा शिप इसी एरिया में रहने वाला है। सो नाउ यू कैन वॉक फ्रीली, जंप, नीचे जंप। जैसा कि आप देख सकते हैं कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अ पर्सन कैन वॉक फ्रीली, आराम से जंप कर सकता है। सो ये एक इक्विपमेंट आइटम है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ सेविंग अप्लायंस एज पर सोलास, एज पर LSA कोड। दिस इज ऑलवेज इन दिस कलर ओनली, और ये ही सेम कलर इसका मिलेगा। इस पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप फिटेड होता है, इस पर यहाँ लाइट्स होती है, ये लाइट्स दी हुई है जो इन केस आपका इमर्जन सूट लाइट है, ये यहाँ रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप है, ये एक विसल दी भी होती है यहाँ पे, इसमें ये सब इसके अंदर इनबिल्ट होता है कि इन केस आपको इसको यूज़ करना पड़े कल को तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डॉनिंग प्रोसीजर ऑफ इमर्जन सूट एंड व्हाट इज़ इमर्जन सूट। सिंपल सी बात, इसे पहनने के बाद ठंड नहीं लगेगी, आप पानी में अगर आप अपना शिप अबैंडन कर रहे हैं आप इजीली इसको पहन के अबैंडन कर सकते हैं, आपका बॉडी हीट लॉस नहीं होगा। एज पर सोलास, एज पर LSA कोड, ये हमारे जहाज़ पे होना चाहिए। हर बंदे का एक पर्सनल होता है, सबके कैबिन्स में होता है। मेक श्योर व्हेन यू गो ऑन बोर्ड यू चेक इट इज़ एज पर योर साइज़। अगर आपके साइज़ के हिसाब से नहीं है अपने जहाज़ के सेफ्टी ऑफिसर को बताएं कि मेरा इमर्जन सूट मेरे साइज़ के हिसाब से नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल सेलर सैयद। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। थैंक यू।